अगर सब पक्ष पार्टी के पंच प्रधान भी जो 201 ग्राम सभा ने आदेश दिया है, अगर उस पढ़ाई दवाई कमाई मॉडल जो SSP का मॉडल है, सब पक्ष पार्टियों के पंच प्रधान और सभी माननीय सांसद और विधायक 105 लोग हो गए, जैसे 50 पुस्तकालय खोले तो हरियाणा में एक झटके में 5250 गांवों में पुस्तकालय खुल सकते हैं। सभी 105 लोग अगर रोजगार का मॉडल अपनाएं तो जैसे 667 युवाओं को सामाजिक सरोकार परिवार ने रिपोर्ट कार्ड में रोजगार दिलाया है, तो 105 और 667 एक आदमी अगर इतने करेगा तो ये 70,035 युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। सामाजिक सरोकार परिवार ने 7 परिवारों को आत्मनिर्भर बनाया है, तो 105 लोग उसी दिशा में काम करेंगे तो 735 हरियाणा के ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ऐसे ही पानी की समस्या का मैंने बताया कि 3 RO प्लांट बड़े बड़े लगाए हैं, पानी की समस्या का उन ग्राम सभा का समाधान 105 लोग करेंगे तो हरियाणा के 315 ग्राम सभा के पानी की समस्या का समाधान एकदम से हो जाएगा। और ऐसी पहली संस्था है कि जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करा है, तो मैं कह रहा हूँ कि जनता 2024 में सब पक्ष पार्टी के प्रधानों से और इन माननीय 105 लोगों से हरियाणा के हर ग्रामीण जनता, शहरी जनता, ये पढ़ाई दवाई कमाई जो हर घर की जरूरत है उस पर क्या काम करा, उस पर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। तो जनता को, कुछ लोगों का, युवाओं साथियों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का और कुछ गरीब मजदूरों का ये था कि जी हमें वोट देते समय ये तो पता होती है अच्छा आदमी होता है, लेकिन अच्छा आदमी कौन होगा ये कैसे पता करें, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो आज इस रैली से सामाजिक सरोकार परिवार ने बहुत ज़्यादा सर्वे करके, वॉलंटियर ने ऑलमोस्ट ये लगा लो हरियाणा के हर जिले में 100 वॉलंटियर ने सर्वे करके पूरे 22-23 जिलों में, तो फिर वो एक मॉडल निकाला है कि भाई वो ऐसे व्यक्ति को आप वोट दें जो युवा हो, युवा मतलब उम्र से युवा नहीं, जिसमें सोचने समझने परखने की ताकत हो, शक्ति हो, जिसमें जोश जुनून जज्बा हो कि लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो उसके हिसाब से युवा हो जिसकी शिक्षा दीक्षा, जैसे गांव में कहते हैं ना पढ़ा लिखा और कढ़ा लिखा, वो पढ़ा कढ़ा लिखा ग्रामीण युवाओं में, महिलाओं में, किसानों के बीच, गरीब मजदूरों के बीच तपस्या करके उनके बीच रह के पढ़ा लिखा हो, ताकि उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष वो जानता हो और उन समस्याओं को फिर समाधान भी देता है। सामाजिक सरोकार परिवार की यही खास बात है। अगर कोई पार्टी आपको आपके एजेंडे के साथ में अपने अंदर शामिल करना चाहे या फिर अपनी पार्टी से चुनाव लड़वाना चाहो तो आप लड़ना पसंद करोगे? वो एक महीने में, पहले तो मैंने जो बताया कि मैं अपना सेल्फ रियलाइजेशन करूंगा कि मैं इस लायक हूँ कि नहीं, मैं ताकि जो लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं उसका मैं एहसान मरने से पहले उतार पाऊंगा कि नहीं उस क्षेत्र में जाके, फिर वो राजनीतिक पार्टियों की बात आएगी कि हमारी विचारधारा से कहाँ किसकी मेल खाती है, फिर उस एग्ने से। जी जुलाना ब्लॉक भारत के इतिहास का पहला ऐसा ब्लॉक है जिसके हर ग्रामीण, हर ग्राम सभा में पुस्तकालय, 38 गांव 38 के 38 में हमने तो जिन जिले में 50 पुस्तकालय खोल दी, और वो रिकॉर्ड किसी सरकार पक्ष पार्टी से अभी तक टूटा नहीं, कोई ऐसा दूसरा ब्लॉक बना नहीं पाए कि जिसके हर ब्लॉक में पुस्तकालय हो।